दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना गैलेक्सी M34 5G भारत में अपनी ब्रांड न्यू ऑफरिंग के तौर पे 20,000 रुपए के नीचे नीचे। ये हमारी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। जिसमें स्लिम सा बॉक्स दे रखा है वो पहले इस बात को दर्शा रहा है कि ज्यादा कुछ बॉक्स के अंदर मिलेगा नहीं। अंदर आपको मिलता है ये फोन, पेपर स्लीव मिलती है जिसके अंदर एक USB Type-C टू Type-C केबल है, डॉक्यूमेंट्स हैं और सिम इजेक्टर टूल है, पर वही इतना ही है बस। ये जो चंकी स्मार्टफोन है बढ़िया वेल बिल्ट फील होता है और उतना ज्यादा बजट ओरिएंटेड नहीं लगता है क्योंकि ग्लॉसी सी बैक पैनल दे रखी है और कैमरा मॉड्यूल डिजाइन जो है वो गैलेक्सी F54 या फिर S23 जैसा ही फील होता है। जो प्लास्टिक फ्रेम है वो काफी हद तक कंफर्टेबल है होल्ड करने के लिए और फोन थोड़ा भारी है अपनी 6000mAh की बैटरी की वजह से। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पावर बटन में ही है और बॉटम पे आपको एक हेडफोन जैक भी मिलता है। जो गैलेक्सी M34 5G है ये दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है, एक 6GB रैम और 128GB कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि रिटेल करता है भारत में 16,999 रुपए के लिए, और एक 8GB रैम और 128GB कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि रिटेल करता है 18,999 रुपए में। ये जो भाई प्राइसेस हैं, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, इनमें बैंक ऑफर्स इंक्लूसिव है सैमसंग के कथन अनुसार। और गैलेक्सी M34 5G के अंदर हमको देखने मिलता है एक एक्साइनोस 1280 SoC। यहाँ पर 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है। सैमसंग का दावा है कि बैटरी जो है आराम से 2 दिन टिक जानी चाहिए एक सिंगल चार्ज पे और फोन जो है सपोर्ट करता है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को एक कंपैटिबल अडैप्टर के साथ। इस फोन के अंदर एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रखा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, जो कि ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर देखने को नहीं मिलती भाई इस प्राइसिंग पे। ये भाई एक 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ भी आता है और एक तीसरा मैक्रो कैमरा भी दे रखा है। यहाँ पे सेल्फीज के लिए आपको एक 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है डिस्प्ले नॉच के अंदर अंदर, और जो कैमरा ऐप है सपोर्ट करता है एडवांस नाइट मोड्स को, जिनको सैमसंग कहता है नाइटोग्राफी। और भाई अंततः जो गैलेक्सी M34 5G है ये रन करता है One UI 5.1 और कहा गया है कि 4 जनरेशन तक के OS अपग्रेड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ये जो लंबी कमिटमेंट है ना सॉफ्टवेयर के मामले में, ये कई सारे पोटेंशियल बायर्स को इस स्मार्टफोन की तरफ झुका सकती है और कॉम्पिटिशन से दूर ले जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें जरूर बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं हमारे इसके फुल रिव्यू में और क्या आप चाहते हैं कि हम इसको कंपेयर करें किसी अन्य स्मार्टफोन के साथ भी। इस वीडियो के लिए इतना ही और हर एक चीज टेक के लिए गैजेट C60 हिंदी के साथ जुड़े रहिए।